ग्राइंडर मशीन भी नहीं लगाने वाली। देखिए इसको तो मशीन नहीं बोलेंगे ना आप। ये रहा अपना फाइनल रिजल्ट बन करके। तो अभी आप लोगों के बीच में एकदम हैवी वाला डिमांड के ऊपर में लेकर के आ गए हैं वीडियो। तो वीडियो क्या रहेगा कि पिछले बार वो जो फोटो फ्रेम का वीडियो डाले थे तो एक में हमने दिखाया था LGP सीट से फोटो फ्रेम बना करके, फिर दूसरा वीडियो जो डाले थे उसमें डॉटेड विनाइल लगा करके दिखाए थे वीडियो बना करके। लेकिन अब जो कमेंट आ रहा है लोगों का कि डॉटेड विनाइल नहीं मिल रहा है, LGP सीट नहीं मिल रहा है, तो कैसे बनाए फोटो फ्रेम, तो टेंशन मत लीजिए, उसके ऊपर भी वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो अभी अपने को चाहिए सिर्फ यहाँ पे देखिए 4mm का एक्रेलिक और ये सनबोर्ड और अपना LED वगैरह चाहिए, सामने रखा हुआ है। और ये वाला फ्रेम हम इस बार यूज करेंगे, ये एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो को लेट नहीं करते हैं, जल्दी से शुरुआत करते हैं, बात होते रहेगा उसी बीच में काम भी अपना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे जितना साइज का टुकड़ा अपने पास में एक्रेलिक है ना, उतने ही साइज का बनाते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं। और इधर से हम रख लेते हैं साइज के हिसाब से, हमको लग रहा है 16 इंच का सही रहेगा, इधर से 16 इंच दाग लगा लिए। अच्छा एक चीज और, हम एक वीडियो का टाइटल में डाले थे कि बगैर मशीन का फोटो फ्रेम बनाइए, तो मशीन से मकसद ये था लेजर मशीन, बड़ा कोई मशीन का बात उसमें कर रहे थे। लेकिन ग्राइंडर जब हम उसमें दिखाए तो लोगों का कहना है कि मशीन का आप बोले थे कि मशीन नहीं लगाना है, फिर भी आप मशीन का दिखा दिए, तो हम उसमें जो बोले थे ना लेजर मशीन, तो इसमें आप टेंशन मत लीजिए, इसमें ग्राइंडर मशीन भी नहीं लगाने वाली। देखिए इसको तो मशीन नहीं बोलेंगे ना आप, इसको तो लगा सकते हैं, ये ब्लेड आपको कहीं भी मिल जाएगा, ये ब्लेड लगाते हैं, इसमें कहीं पे भी बड़ा मशीन का यूज नहीं करेंगे। तो ये ब्लेड से हम इसको इस तरीके से स्क्रेच कर करके काट लेते हैं, ठीक है, ये देखिए। और ये उन लोगों के लिए भी वीडियो है जो अपने लाइन से नहीं है ना, वो भी इसको कर पाएंगे, इतना इजी तरीके से बनाएंगे। हल्का सा स्क्रेच मारे, ये अपना सीट कट गया। और ये इसमें जो हम सीट यूज कर रहे हैं चाइनीज सीट है, ये देखिए ये चाइना का सीट आता है, ठीक है, ये चाइनीज सीट है। तो ये सीट हो गया, इसमें लाइट लगेगा, अभी पीछे कुछ नहीं है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, क्लियर है, तो इसमें लाइट कैसे आएगा वो अभी देख लेते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है ये, इस तरीके से ब्लेड देखिए, कटर ब्लेड है ये, कटर ब्लेड का सामने में धार रहता है, पीछे में इस तरीके से रहता है, तो इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं हल्का सा, और इस तरीके से यहाँ पे स्क्रेच लगाते जाना है, ये देखिए इस तरीके से, काफी पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, बगैर किसी मशीन का और बगैर किसी टूल्स का आप बनाना चाहते हैं तो कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पे स्क्रेच करते जाना है। तो हम इसमें पूरे में स्क्रेच कर लेते हैं, इसके बाद में आपको दिखाते हैं ठीक है आगे क्या करना है। तो कुछ इस तरीके से स्क्रेच कर लेना, देख रहे ना यहाँ पे, ये अपना एक पैटर्न सा बन गया है। अगर आपके पास में लेजर मशीन है तो लेजर मशीन से भी इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्लेड से इस तरीके से खींच देंगे ना, शाइनिंग आ जाएगा, चारों तरफ कर देते इस तरीके से। और ये चाइना सीट है, आप कास्ट एक्रेलिक लगाएंगे तो लाइट और भी जबरदस्त आएगा, ठीक। तो टुकड़ा में अपने पास में चाइना सीट था पड़ा हुआ, तो सोचे सीन बना लेते, 4mm का सीट चाइना लगाए हैं, आप 4mm का इसमें कास्ट भी लगा सकते हैं, चाइना भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी से इसी का नापी का सनबोर्ड काट लेते हैं, यहाँ पे पड़ा हुआ है, सनबोर्ड काटने के लिए तो टेंशन कुछ है ही नहीं, सिंपल ऐसे रखना है और एक बार में ये कट जाता है, ये देखिए कट गया। इसको अब इधर से भी काट लेते हैं, ये वाला तार थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, काफ़ी मोटा है और तार अपने को साइड से निकालना है, तो यहाँ पे हम नया सोल्डिंग ही कर लेते हैं, ज़्यादा लपटा नहीं लेना है। हो जा भाई सोल्डिंग, बस यहाँ पे अभी आप अलग अलग कलर का भी तार यूज कर सकते हैं, फिलहाल हम एक ही कलर का तार यहाँ पे निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो एलईडी कुछ इस तरीके से लगा लिए हैं, सोल्डिंग भी हो गया है, लाइट जला करके दिखा दे क्या आपको, ये देखिएगा 1 2 3 देख रहे लाइट ब्राइटनेस क्या कमाल का आ रहा है। ठीक है, पॉलिश शीट कटिंग कर लेते हैं ताकि प्रिंट को खराब ना हो, मतलब प्रिंट को कभी सफाई वफाई करें तो प्रिंट खराब ना हो, तो पतला सा पॉली यहाँ पे लगा लेते हैं, इसको भी जल्दी से कट कर लेते हैं। बस ये बिलेट से कटिंग हो जाता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना इसको काटने के लिए। इस तरीके से देख रहे हैं कट भी गया, तो इस तरीके से इसको फ्रेश कटिंग कर लेते हैं। तो अब बारी आता है प्रिंट का, प्रिंट लगा लेते उसके बाद फ्रेम लगाएंगे इसकी बार, या फिर प्रिंट काट लेते हैं। तो प्रिंट तो मेरे पास में एक ऐसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो किधर साइड का लगाए, यही लगाते हैं मोजिटो का, यही सही आएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें दाग लगा हुआ है यहाँ पे, तो दाग पर ध्यान दीजिएगा। इधर से ले, इतना ठीक लग रहा है, हाँ इतना लेंगे तो ठीक लगेगा। इसको काट लेते हैं अब, प्रिंट ट्रांसलेट प्रिंट है, काफी लोग पूछ रहे थे कमेंट में, ट्रांसलेट प्रिंट है ये, पोली टाइप का पेपर रहता है, मतलब वाटर प्रूफ प्लास्टिक टाइप का ही पेपर रहता है, जैसा आप एक्सरे कराते हैं तो कैसा रहता है पेपर, उसी टाइप का। ठीक है, तो हर जगह पे नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप वो भी प्रिंट लगा सकते हैं जो फोटो फ्रेम वाला लोग देते हैं ना, स्टूडियो वाला लोग, तो वो भी प्रिंट आप लगा के यहाँ पे काम चला सकते हैं। लेकिन इसमें लाइट थोड़ा सा जबरदस्त आता है, तो इसको हम इस तरीके से पीछे का लेमिनेशन हटा लेते हैं और यहाँ पे इसको रख देते हैं। अब बारी आता है फ्रेम घुमाने का, तो ये रहा अपना फ्रेम, इस फ्रेम में हम इसको इस तरीके से यहाँ से चालू करते लगाना। ठीक है, यहाँ से इसे चालू करते हैं, बहुत ही जी, ये रहा अपना, इसको भी आप मशीन मत बोलिएगा, ऐसा नहीं फिर बोलिएगा मशीन, आप बोले नहीं दिखाएंगे अगर मशीन दिखा दे रहे हैं। इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर लेते हैं नीचे और ऊपर से। ठीक है, ये देखिए घूम गया ना इजीली, एक को टेपर काट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, फ्रंट का कम से कम इस तरीके से, टेपर वाले को ऊपर कर देंगे। ये हो गया, अब बस एक बैंड और, पीछे साइड से ना हल्का हल्का बॉन्ड से इसको चिपका देंगे, थोड़ा थोड़ा बॉन्ड लगाएंगे, सनबोर्ड में ना बहुत इजीली चिपक जाता है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। इस तरीके से ये देख रहे ना, तो ये क्या हुआ अपना प्रिंट भी आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, तीनों तरफ चिपकाना है और एक को अपने आप को ऊपर वाले को छोड़ देना है। हो जाएगा आराम से। तो अब इसको हम यहाँ पे लगाते हैं वापस से, और ये रहा अपना फाइनल प्रोडक्ट बन करके रेडी, लाइट ऑन करके दिखाते हैं कैसा लुक आता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ से पहले इसका ऊपर का प्लास्टिक हटा लेते हैं, थोड़ा सा और शाइनिंग आ जाएगा, ये रहा। ठीक है, तो पोली छोटा कट गया पहले बता दे रहे आपको, तो पोली पे आप ध्यान दीजिएगा, ये रहा। अब इसको टांगने के लिए यहाँ पे हम एक प्लास्टिक लगा देते हैं, ये भी अपना खुद से ही बनाया हुआ है इस तरीके से। अब बारी आता है फाइनल प्रोडक्ट देखने का, अपना मेहनत रंग लाता है कि नहीं लाता है। कहाँ गया, ये रहा, यहाँ से अभी हम इसमें तार जोड़ते हैं, ये रहा अपना फाइनल रिजल्ट बन करके। अरे भाई इसमें जैक लगा लेंगे, तो यहाँ पे प्रिंट में दाग लगा हुआ है उसको आप मत देखिए, बाकी इसका लाइट देखिए कैसा लाइट आ रहा है, पूरी तरीके से हैंडमेड आप इसे बोल सकते हैं, कोई भी मशीन इसमें तो खास करके यूज नहीं किया हुआ है, आपके सामने बनाए हैं, और फ्रोस्टेड एक्रेलिक भी नहीं है, डॉटेड विनाइल भी नहीं है, पूरी तरह से क्लियर विनाइल एक्रेलिक से बनाया हुआ है। और ये देखिए कैसा लुक आ रहा है, पीछे से भी देख लीजिए, टांगने के लिए भी है, साइड में फ्रेम भी अपना आ गया, काफ़ी कमाल का लुक आ रहा है, और स्लिम भी है, और इसे थोड़ा बहुत आप रेन प्रूफ भी बोल सकते हैं, हल्का फुल्का
बारिश भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी तरीके वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।